आपके पास डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर को देखते हैं बच्चे, सो वी हैव द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, वी हैव द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, हमारे पास प्रेशर के बच्चा आपके पास डिफरेंट यूनिट्स के हैं। सबसे पहले हमारे पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके अंदर हम इसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हमारे पास इसका एक और नाम है बच्चे जिसको हम बोलते थे पास्कल। सेकंड, सीजीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास इसकी यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वन बच्चा हमारे पास आ जाती है एटमॉस्फेरिक, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट किसके बराबर आ जाता है, फोर्थ वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 bar इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे पास मेट्रोलॉजी के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसको यूज किया जाता है, यानी कि जो हमारे आसपास होने वाली जो भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बच्चे फिनोमिना है उसको मेट्रोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नंबर फोर बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है बच्चे टॉर्क, एंड वन टॉर इज इक्वल टू आपके पास कितने के बराबर आ जाता है, दिस इज 1 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम, 1 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम, और हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाता है, दिस इज 1.013 bar एंड दिस इज इक्वल टू 760 torr। यह हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं जो कि हमको यहाँ पर याद होनी चाहिए। टीचर इसमें से कोई भी यूनिट आपको 1 marks के अंदर पूछ लेगा। टीचर हमारे पास यहाँ पर किसी भी एक यूनिट को बच्चा हमारे पास किसमें पूछ लेगा, 1 marks के अंदर। ये SI है, CGS है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बार है या टॉर, यह हमारे पास मेजर करने की यूनिट है। ये हमारे पास यहाँ पर इसको मेजर करने की यूनिट है। अब चलते हम आगे की तरफ, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन। अब हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस है जो हमारे को यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑन द स्विमर। ये NCERT का क्वेश्चन है, टोटल प्रेशर ऑन द स्विमर। हमारे पास उस स्विमर के पास टोटल प्रेशर कितने के बराबर होगा, 10 cm below the water surface, 10 cm below the water surface। अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से बच्चा आपके लिए एक वाटर, और हमारे पास यहाँ पर कोई स्विमर है जो कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्विम कर रहा है ना, ये बच्चा हमारे पास स्विमर यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहा है बच्चे, स्विम कर रहा है। सो ये स्विमर बच्चा हमारे पास 10 meter की डेप्थ के अंदर जाकर आपके पास क्या कर रहा है बच्चे, स्विम कर रहा है। ये हमारे पास 10 meter की डेप्थ में जाकर अगर स्विम कर रहा है तो इस पे 2 तरीके के प्रेशर होंगे, बताओ कौन कौन से। हमारे पास पानी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पानी के ऊपर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जी शौर्य बताओ। सर वहां पर आपने लिखा है स्विमर 10 cm लिखा सर आपने, और 10 meter आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर 10 meter आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस शुड बी 10 meter, ओके बच्चे। सो ऊपर बच्चा हमारे पास कौन सा प्रेशर आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही आप इस स्विमर को देखोगे तो स्विमर के ऊपर प्रेशर 2 वजह से, बताओ किस किस की वजह से। एक बच्चा हमारे पास प्रेशर है आपके पास एटमॉस्फेयर का, एक प्रेशर हमारे पास यहाँ पर किसका, एटमॉस्फेयर का। तो मेरे पास यहाँ पर एक प्रेशर आपके पास किसका आ गया, एटमॉस्फेयर का, और दूसरा प्रेशर बताओ किसका आ जाएगा, हमारे पास इसकी डेप्थ है h और वाटर की डेंसिटी है रो और बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो हमारे पास यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.03 × 10⁵ पास्कल।
प्लस ऑफ, इसकी डेप्थ कितनी है बच्चे 10, इसकी डेंसिटी 10^3, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर जी की वैल्यू 10, तो 4 और 5, तो मेरे पास 1.013 इंटू 10^5 प्लस ऑफ 10^5, इसमें से बाहर बताओ क्या निकल जाएगा 10^5 और 1 प्लस ऑफ 1.013। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा 2.013 इंटू 10^5 पास्कल। यह हमारे पास यहां पर इसकी क्या आ जाएगी बच्चे वैल्यू आ जाएगी। सो अगर इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन हमारे पास किसका है एनसीईआरटी का जी। किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है तो वो बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश, बोलो बेटा। है किसी बच्चे को क्वेश्चन बच्चे, बोलिए बेटा। नेक्स्ट वन बच्चा, अब हमारे पास यहाँ पर फिर आपके लिए एक और क्वेश्चन आ जाता है। और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए क्या चीज आ जाती है बच्चे, व्हाट विल बी दी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम, व्हाट विल बी दी लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम, व्हाट इज दी लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम इन बैरोमीटर, इन द बैरोमीटर, जो कि बच्चा हमारे पास बैरो, बैरो के अंदर बार बच्चा हमारे पास क्या है, प्रेशर की यूनिट है। इन द बैरोमीटर बच्चा हमारे पास व्हेन, जब बच्चा हमारे पास व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास यहां पर आ जाता है 7 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी, 75 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी, एंड द ट्यूब इज इंक्लाइन, एंड द ट्यूब इज इंक्लाइन, और जो ट्यूब है बच्चे वो हमारे पास इंक्लाइंड है, कहां पर बच्चे एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंड द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंड द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ बच्चे हमारे पास 60 डिग्री। फोकस करना, हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है, ये मेरे पास इस तरीके से बैरोमीटर का सेटअप हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास इस तरीके से आपके पास एक लिक्विड है। जनरली हमारे पास जो ट्यूब रहती है वो ट्यूब हमारे पास वर्टिकल होती है, यानी कि वो वाटर सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और यहाँ पर हमारे पास ये जो मरकरी है इसकी एक हाइट होती है, और ये हाइट अगर मेरे पास यहाँ पर देखा जाए तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करती है, इंडिकेट कर जाती है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपके पास क्या करती है, इंडिकेट कर जाती है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर है, सो वी हैव 75 सेंटीमीटर, 76 की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या ले लिया 75। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना, वो ये बोल रहा है कि अगर मैं इस ट्यूब को इंक्लाइंड कर देता हूं, ऐसे एक एंगल पे ले जाता हूं, अगर मैं इस ट्यूब को एक एंगल पे ले जाता हूं और ये अब हमारे पास वाटर सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, तो मुझे बताना है इसके अंदर अब लिक्विड का आपकी लेंथ किसके बराबर होगी। पहले जब ये सीधा था तो लिक्विड कॉलम की हाइट कितने के बराबर थी 75, क्या अब भी ये 75 रहेगी या फिर बच्चे वो चेंज हो जाएगी, ये मुझे यहां पर इसकी लेंथ बतानी। कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट बच्चे जिंदगी में हमेशा याद रखना, और वो कॉन्सेप्ट ये बच्चे हमारे पास, और वो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास फ्री एंड ऑफ मरकरी टू आपके पास सरफेस ऑफ द मरकरी इन द बीकर, मरकरी इन द बीकर समझने के, या टम्बलर, समझ पा रहे, यानी कि फ्री एंड, ये रहा फ्री एंड, ये देखिए ये हमारे पास यहां पर इसका फ्री एंड है, इसके फ्री एंड से लेके बच्चे जो आपके पास मरकरी का यहां पर हमारे पास फ्री एंड है, इन दोनों के फ्री एंड के बीच का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमेशा आपके पास ओरिजिनल 76 और यहां पर गिवन है 75 सेंटीमीटर के बराबर है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये बच्चा हमारे पास कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप इसको जिस मर्जी एंगल पे कर दीजिए, जिस मर्जी एंगल पे कर दीजिए, इज ऑलवेज
ये बच्चा हमारे पास ऑलवेज क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट, यह हमेशा आपके पास कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहां पर ये फ्री एंड है और ये बच्चे वाटर का एंड है, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, शाबाश बता दो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास 75 सेंटीमीटर, सर यही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। यहां पर मैंने इसको इंक्लाइंड भी कर दिया तो भी बच्चे ये 75 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसका मतलब इसमें मरकरी कॉलम की लेंथ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल। अब मेरे पास यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, कैसे, देखिए ये मेरे पास यहां पर 60 डिग्री है, जो परपेंडिकुलर है वो 75 सेंटीमीटर है, और मुझे हाइपोटेन्यूज बताना है। तो बता सकते हो बच्चे हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, आपके पास हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर 75 सेंटीमीटर है और साइन ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और 75 √3/2 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें लिक्विड की जो लेंथ है बच्चे वो आपके पास चेंज हो जाएगी। अगेन ये हमारे पास वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, याद रखना। और ये करीबन सॉल्व करने के बाद बच्चे करीबन 87 सेंटीमीटर के आसपास है। नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब इसको दिमाग में रख ले। बोलो सर, ऐसे तो सर मेरे को कुछ ऐसा लग, सर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा या फिर परपेंडिकुलर बाय साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। एक मिनट चेक कर लेते हैं बच्चे, चेक कर लेते हैं हमारे पास, एक मिनट चेक कर लेते हैं हमारे पास हाइपरपेंडिकुलर ये डिवाइड में आएगा, सही कह रहे हो। यहाँ पर एक मिनट चेक कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालनी है ना, हाँ डिवाइड में आएगा, सही कह रहे हो बच्चे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय साइन थीटा, थैंक यू बच्चे, यह हमारे पास आ जाएगा, दिमाग में नहीं रहा। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75 / sin of 60 degree, और दिस विल बी 75 / √3/2, ठीक कह रहे हो, यह हमारे पास इतने के आसपास आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास इतने के आसपास आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर, थैंक यू सर, ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत ध्यान से बच्चे हमने काम करना, बहुत ध्यान से, कि लिक्विड की फ्री सरफेस और वाटर, यहाँ पर इस लिक्विड की फ्री सरफेस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, ये यहाँ पर 75 है तो दूसरे में भी 75 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मुझसे डाउट पूछ सकता है, शाबाश बोलो, है कोई डाउट बच्चे, है कोई डाउट बच्चे, ताकि फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकूं बच्चे। नो सर। ओके, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर फिर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर, व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, हमारे पास वो मिनिमम प्रेशर आपके पास कितना होगा, व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड आपके पास, मिनिमम प्रेशर बच्चे आपके पास कितना रिक्वायर्ड है, फ्रॉम द हार्ट टू द टॉप ऑफ द हेड, यानी कि टॉप ऑफ हेड तक बच्चा हमारे पास कितना प्रेशर लगेगा, और बच्चा हमारे पास जो डिस्टेंस है बच्चा हमारे पास इन दोनों के बीच में आपके पास कितने के बराबर है, 50 सेंटीमीटर, और एज्यूम दैट जो डेंसिटी ऑफ द ब्लड है बच्चा हमारे पास वो आपके पास कितने के बराबर है, 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो प्रेशर चाहिए, हमारे हार्ट की लोकेशन अगर आप देखें तो ये सर के पास है, क्योंकि यहां पर हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करना है बच्चे, इसको लिफ्ट करना है। तो जब हम लिफ्ट करेंगे बच्चे, ब्लड ऊपर जाएगा तो एक हाइट गेन करेगा, बताओ ब्लड बच्चे कितनी हाइट गेन कर जाएगा आपके पास, बताओ, शाबाश, 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल हो गया कि हमारे पास हार्ट से होता हुआ आपका जो ब्लड है वो वर्टिकली बच्चे 50 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। यहां पर बच्चे हमारे पास हमारा हार्ट है, इसने यहां से ब्लड को पंप किया, ब्लड बच्चे जाकर ऊपर
कितनी हाइट पर चढ़ गया अगेंस्ट दी ग्रेविटी। जब ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी इतनी हाइट पर आ जाएगा तो बताओ इसके बॉटम पे कितना प्रेशर आ जाएगा। शाबाश बताओ, इसको आपके पास बच्चे बताओ कितना प्रेशर आ जाएगा, बताओ शाबाश। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा एच रो और जी। हमारे पास ब्लड कितनी हाइट पर जा रहा है, 50 सेंटीमीटर पर। डेंसिटी कितनी है, 1.04 इंटू जी। तो यहां पर बच्चे अगर मैं सारा सेंटीमीटर में ले लेता हूं तो इसको भी बच्चे मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, 1000 कर लेता हूं। तो मेरे पास आपके पास यहां पर 5 इंटू आपके पास 1.04 इंटू हमारे पास यहां पर 10,000 और 5 इंटू 104 इंटू हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 100। तो 104 बाई 5 तो 0 और आपके पास यहां पर 7 और ये बच्चे 5। तो हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5, आपके पास यहां पर 7 और हमारे पास यहां पर 10 की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 2 आ जाएगी। तो इतने डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर मुझे क्या चाहिए बच्चे आपके पास, यहां पर प्रेशर चाहिए मुझे 5700 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या चाहिए बच्चे, प्रेशर चाहिए। बोलो सर, नहीं आएगा जी। बोलो सर, जो आपने निकाला 57 से सब 52 नहीं आएगा सर, देखना है कौन सा। हाँ 52 आएगा, 5200 ठीक कह रहे हो, 52 आ जाएगा, ठीक कह रहे हो बच्चे। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे आपको, शौर्य बताओ। सर मैंने एक चीज पूछनी थी, हमने हमने जो हमने हमने उसमें लिया है कि h डेंसिटी और जो g मतलब यानी कि g मतलब ग्रेविटी वाला, लेकिन सर उसमें 10 के बजाय हमने 1000 के लिए, क्योंकि बच्चे ये सब कुछ सीजीएस सिस्टम है, क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दे फिर। क्यों मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों करेंगे बच्चे, सर डाइन कर डाइन में कन्वर्ट होगा ना सर, फिर वो तो फिर लास्ट की बात है ना आपके पास, अगर आप न्यूटन में सब कुछ निकालना चाहते हो तो। बट सर मेरे को सर वो हमने फिर किया कैसे उसको 1000 से, मतलब हमने बेसिकली हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया ना 10 को, तभी हमारा 1000 आया, वो 100 फिर कैसे आया। आपको क्या लगता है किससे करना चाहिए था सर, मेरे को है कि अगर हम उसको 1 न्यूटन, अगर सर हम उसको न्यूटन में नहीं कर रहे, अगर हम उसको सीजीएस में कर रहे हैं तो हमें सर जी होती क्या, जी स्मॉल जी होती क्या चीज है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और न्यूटन किसकी यूनिट है, न्यूटन है, न्यूटन किसकी यूनिट है। ओके ओके सर ओके, ठीक है। आप एक्सेलरेशन के अंदर न्यूटन को डाल नहीं सकते ना बच्चे, तो ये गलती कर। हाँ सुमेर बोलो बच्चे। सर कल जो हमारे क्लास टीचर थे, मेरे फिजिक्स सर थे स्कूल में, सर वो हमें कुछ क्वेश्चन करवा रहे थे, तो मैंने बोला कि सर हम जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, वो कहते हैं बेटा 9.8 ही लेनी है अगर ना भी गिवन हो तो, सर कैसे करें 10 ले कि 9.8 ही ले। देखो बच्चे ये तो अब आप ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की बात आ जाती है, ये वैसा ही कॉन्फ्लिक्ट है कि कश्मीर को पाकिस्तान भी कहता है कि हमारा, इंडिया भी कहता है हमारा, ठीक है। ये डेफिनेटली हमारा ही है, ऐसी बात नहीं है कि हमारा नहीं है, पाकिस्तान भी कहता है हमारा ही। अब पॉइंट बच्चा हमारे पास ये है कि किसी पर्सन ने आपके ऊपर कोई भी बात करनी है बच्चे, तो वो अपने ढंग से कर सकते हैं। इससे तुझे सिर्फ इतनी सीख मिलती है कि जब तू अपने स्कूल का पेपर करे तो वहां पर जी की वैल्यू को क्या मान के चलेगा, 9.8। सर उससे 10 से जल्दी हो जाता है, वही थोड़े पॉइंट्स में चला जाता है और तो सर वही स्टेप, बस वही चीज, ठीक है। तो अब आप अपने स्कूल के टीचर की रिस्पेक्ट करें और बच्चे आप उनकी रिस्पेक्ट करके उनके वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मुझे 10 से रीडिंग नहीं चाहिए, बच्चा थोड़ी और मेहनत करे और 9.8 से आंसर निकाले, तो निकाल दीजिएगा, क्या मुश्किल है इसके नीचे, हाँ या ना, ठीक है। yes, sir. Yes, sir. नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 1000 की जगह 980 ले लेना, कोई बात नहीं, हाँ या ना, उनकी भी तो बात माननी पड़ेगी ना, हाँ या ना। yes, sir. Yes, sir. कोई बात नहीं, उनकी बात मानो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा थोड़ा मेहनत करे, शॉर्टकट से ना निकल जाए, तो कोई बात नहीं सर हम 9.8 ले लेंगे, कोई बात नहीं, 10 से भी आंसर आ जाता है। लेकिन जनरली क्या है, मैं जनरल बात भी कह देता हूँ, जनरल बात यह है बच्चे कि जब जी को 9.8 लेना होता है तो टीचर स्पेशली मेंशन करता है और
यहाँ पर बच्चे वो मेंशन करता है, अगर आप कितनी भी किताबें देखे तो जनरली वो मेंशन कर देता है, तो अगर वो बोल रहा है 9.8 तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चले हम अपने क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास एक यू शेप ट्यूब की प्रॉब्लम है, या हमारे पास यहाँ पर यू शेप ट्यूब की प्रॉब्लम है बच्चा, हमारे पास ऐसे, और हमारे पास यहाँ पर एक पतली ट्यूब है और आगे जाकर ये ट्यूब आपके पास क्या होगी, वाइडर, यानी कि वाइडर होगी, और हमारे पास यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है काके, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 12 केजी की एक बॉडी को प्लेस किया गया। यहाँ पर बच्चा हमने 12 केजी की एक बॉडी को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया यहाँ पर, और इसके नीचे हमारे पास एक लिक्विड को क्या कर दिया, हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया ऐसे करके। टीचर हमारे पास क्या बोल रहा है बच्चे, कि आपके पास इसका एरिया, वाइडर एरिया 800 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, वाइडर एरिया हमारे पास बच्चे यहाँ पर 800 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यहाँ पर ध्यान से समझना, यह हमारे पास 800 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। नाउ नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इफ, अब ध्यान से समझना, इफ दी लिक्विड, अब बच्चे जो हमारे पास लिक्विड है, On the other end is allowed to rise. On the other end is allowed to rise. बताओ कैसे rise कर जाएगा, जरा बताओ कैसे और क्यों rise कर जाएगा। जब जैसे आप इस मास को यहाँ पे रखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये प्लेटफॉर्म यहीं पे रहेगा कि नीचे की तरफ को आना शुरू हो जाएगा, बताओ शाबाश, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ को आएगा। जब ये प्लेटफॉर्म हमारे पास यहां से नीचे की तरफ को h डिस्टेंस से आएगा तो बताओ दूसरी तरफ से जो लिक्विड है वो कितनी हाइट से ऊपर चला जाएगा, बताओ शाबाश, वो भी बच्चा हमारे पास h डिस्टेंस से ऊपर चला जाएगा। अब बताओ यहां पर जो लिक्विड का लेवल है और यहां पर जो लिक्विड का लेवल है दोनों के बीच में हमारे पास कितने का फर्क आ जाएगा बच्चे, शाबाश बता दो, कितने का फर्क आ जाएगा, शाबाश बता दो बच्चे, ये लिक्विड H नीचे आया तो दूसरा लिक्विड यहाँ 2H का, यानी कि दोनों के अंदर मेरे पास 2H का फर्क आ गया। और टीचर क्या बोल रहे हैं, इफ द लिक्विड ऑन द अदर एंड इज अलाउड टू राइज, फाइंड दी डिफरेंस इन द लेवल ऑफ दिस टू लिक्विड, फाइंड द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द लिक्विड्स, इन द लेवल ऑफ द लिक्विड, यानी कि इस लिक्विड के लेवल के अंदर हमारे पास कितने का डिफरेंस आ जाएगा। अब बच्चे हमारे पास हो क्यों रहा है, ये लिक्विड यहीं पर आके रुक क्यों गया, बताऊं बच्चे, क्योंकि इस वक्त यहां पर जितना प्रेशर आपके पास कौन क्रिएट कर रहा है, 12 केजी की बॉडी, उतना प्रेशर यहां पर कौन क्रिएट कर रहा होगा बच्चे, ये लिक्विड जिसकी हाइट हमारे पास कितने के बराबर है, शाबाश बता दो बच्चे, 2H के बराबर। यह हमारे पास दोनों, और वैसे भी एक सेम चीज है बच्चे, हमारे पास सेम लेवल पे बताओ प्रेशर सेम होता है कि डिफरेंट होता है, सेम, तो हमारे पास ये दोनों तरफ का प्रेशर बराबर होगा काका जी, बराबर प्रेशर होगा, तो लिक्विड नो डाउट एक ऊपर जा चुका है और एक नीचे आ चुका है, लेकिन उनमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है क्योंकि अब दोनों का प्रेशर सेम है, तो पहले लिक्विड क्यों चला, इसका रीजन है, लिक्विड बच्चा हमारे पास इस वजह से चला, सोच के देखना है, लिक्विड हमारे पास इस वजह से चला, जरा समझते हैं बच्चे, क्योंकि हमारे पास एक तरफ प्रेशर ज्यादा था और दूसरी तरफ प्रेशर कम था, आपने उसको प्रेस किया। अब एक बात है ना, सुबह बच्चे जब हम कॉलगेट को जो है बच्चे पीछे से प्रेस करते हैं तो वो आगे से क्यों निकलती है, क्योंकि एक तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाता है और दूसरी तरफ कम, तो वो बाहर निकल कर प्रेशर को कंट्रोल करने की, भैया हम बाहर निकल जाते हैं तो हम बाहर की ठीक है, कोई बात नहीं आप अपना प्रेशर लगाओ, मस्त हम बाहर ही ठीक है। तो इसी तरीके से लिक्विड राइज क्यों किया भाई, वो बोलता है कि ये 2H की हाइट के ऊपर अगर लिक्विड चला जाता है तो जितना प्रेशर A पे है उतना प्रेशर किस पे आ जाएगा, B पे। अब B पे हमारे पास प्रेशर किसकी वजह से, बताओ शाबाश, B पे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक प्रेशर है एटमोसफेयर का, और दूसरा अब बताओ बी के ऊपर अब तो कोई लिक्विड रहा नहीं क्योंकि ये 12 केजी की बॉडी तो नीचे आ गई ना, लिक्विड को नीचे प्रेस कर दिया, तो यहां पर प्रेशर बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, फोर्स
पर यूनिट एरिया, क्योंकि आप 12 किलो के मास से इसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। और प्रेशर एट ए बताओ किसके बराबर होगा, यह हमारे पास क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चे, एंड प्लस ऑफ, ध्यान से समझना, एंड प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर लिक्विड है जिसकी हाइट 2h हो चुकी है, और बच्चे हमारे पास डेंसिटी, चलो हम डेंसिटी यहाँ पर लिक्विड की ले लेते हैं बच्चे, 2 × 10⁻³ kg/m³, यह हमारे पास आ गया। और हमारे पास यहां पर ये क्या आ गया बच्चे, जी आ जाएगा, ये अब हमारे पास आ गया। दोनों तरफ के प्रेशर बराबर होंगे तो ये लिक्विड ऊपर जाना बंद कर देगा, वो बोलेगा मेरे जितनी हाइट है उसकी वजह से जितना प्रेशर यहां पर ए पे आ रहा है, दूसरी तरफ अगर उस वेट की वजह से उतना ही प्रेशर दूसरी सरफेस पे आ रहा है, और ये प्रेशर और ये प्रेशर सेम है, तो लिक्विड स्टेबिलिटी पे आ जाएगा। तो अब बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस ऑफ बच्चे 2h ρ × g, यह हमारे पास यहां पर कैंसल हो जाएगा। फोर्स, फोर्स बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, आपके पास 120 न्यूटन, क्यों, 12 kg का मास है तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 120 न्यूटन एरिया। अब बताओ एरिया किसके बराबर है, 800 cm² का मतलब 10⁻⁴, 2h ये डिफरेंस है और यही मुझे निकालना, और बच्चे रो 2 × 10⁻³, और जी हम 10 ले लेंगे सुमेर, और रीजन है क्योंकि मुझे कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करनी है, तो 120 और डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास 2 × 10⁻³ इंटू हमारे पास यहाँ पे 10, और ऑलरेडी बच्चा हमारे पास नीचे 800 × 10⁻⁴ है, 2h ये डिफरेंस है, तो हमारे पास ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 60, एक जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 3 आ जाएगा और नीचे मेरे पास यहाँ पर 400, तो अब मेरे पास 3 / नीचे 400 × 10⁻⁴, मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस ऑफ आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और सॉरी ये 3 था, प्लस ऑफ 3, तो ये हमारे पास प्लस ऑफ 3, आई एम सॉरी, तो ये माइनस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, और 2h इज इक्वल टू 3 / हमारे पास 40 m का बच्चे हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, तो 3 / 40 आपके पास मीटर का हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। दोनों तरफ का प्रेशर सेम होगा तो इस वजह से लिक्विड स्टेबिलिटी पे आएगा, और वो लिक्विड भी ऊपर तभी जाना चाह रहा है ताकि बच्चे वो अपने प्रेशर को साइड पे लगने वाले प्रेशर के बराबर, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर आपके पास क्या होता है बच्चे, सेम होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बच्चे हमारे पास क्या होता है, सेम हो जाता है। जी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, शाबाश, बताएं बताएं बच्चे। सर हमने उसमें स्ट्रेस क्यों लिया, मतलब हमने उसमें बी पार्ट में, बेटा स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फर्क होता है लड़के, स्ट्रेस और बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्रेशर में क्या फर्क होता है लड़के, मेरी बात को समझ पा रहे, जहां पर आपके पास वो जो लिक्विड का कंटेनर है जब वो पिस्टन नीचे की तरफ को आएगा तो सेम लेवल के ऊपर, मैंने तो आपको बताया ना बच्चे हमारे पास कि बी पॉइंट के अंदर आप यहां पर खड़े हो जाओ, आपके ऊपर आपके पास सिर्फ क्या चीज है बच्चे हमारे पास, बताओ शाबाश, हमारे पास क्या है, सिर्फ एटमॉस्फेयर ही तो है, और बच्चे आपके पास लिक्विड के इस लेवल पे, लिक्विड पे कोई ना कोई प्रेशर तो आ रहा होगा, हाँ या ना, यस सर, तो वो प्रेशर कौन एग्जर्ट कर रहा है काके, वह एक तो एटमॉस्फेयर कर रहा है और दूसरा कौन एग्जर्ट कर रहा है बच्चे, बता शाबाश सर, जो लिक्विड के कारण हो रहा है। काका जी फिर ध्यान से समझे, ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास यू शेप के, आपके पास यहाँ पर ट्यूब, ठीक, यहाँ पर लिक्विड एक हाइट तक जा चुका है, यहाँ पर मेरे पास एक पिस्टन है बच्चे, ठीक, इस पिस्टन के ऊपर 12 kg की बॉडी को प्लेस किया गया, और इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड यहाँ तक चला गया, ठीक। अब बता बच्चे, यहाँ पर इस पॉइंट पर नीचे की तरफ को जो प्रेशर आ रहा है
एक तो एटमॉस्फेयर की वजह से आ रहा है, हाँ या ना बच्चे? एक यस सर, तो, और दूसरा बच्चे लिक्विड के इस पॉइंट पर प्रेशर आपके पास किसकी वजह से आ रहा है, बता। शाबाश, सर ये वेट के कारण आ रहा है 12 kg के। तो फिर बच्चे उस वेट के प्रेशर को तू कैसे निकालेगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ या ना? यस सर। और वो फोर्स बच्चे आपके पास कैसे दी जाती है, बता। शाबाश, वो फोर्स बच्चा हमारे पास कैसे आ जाएगी? mg अपॉन एरिया ए, ठीक है? यस सर। और बच्चे जितना प्रेशर ये वेट इस एरिया के ऊपर लगा रहा है सामने की तरफ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, उतना ही प्रेशर लिक्विड की इस हाइट को भी लगाना चाहिए। अगर ये दोनों प्रेशर बराबर नहीं हुए, अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। सोच के देखो ना, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर डिफरेंस से चीजें चलती हैं। और अगर मेरे पास वेट का प्रेशर ज्यादा होगा तो लिक्विड कहाँ तक चलता रहेगा बच्चे हमारे पास, बताओ। शाबाश, ऊपर तक। लिक्विड बच्चे कहाँ पर जाके रुकेगा? जब उसकी हाइट का प्रेशर सामने वाले वेट के प्रेशर के बराबर होगा, तब करके बच्चे मैंने यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया लिया। किसके लिए बच्चे? बी पॉइंट के लिए, ठीक है? और ए पॉइंट पर ये प्रेशर कौन किस किस की वजह से आ रहा है? लिक्विड की वजह से आ रहा है, प्लस बच्चे हमारे पास एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है बेटा? ओके सर। पक्का श्योर? यस सर। चलो, अगर किसी और बच्चे का डाउट है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। किसी और बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। शाबाश, है कोई डाउट बच्चे? है कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? सो वी हैव क्वेश्चन नंबर, बच्चा हमारे पास, चलो जो भी आपके पास 3 या 4 है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे? आपके पास यहाँ पर अ कॉलम ऑफ 40 सेंटीमीटर हाई सपोर्ट्स अ 30 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ अननोन लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझना। अ कॉलम, आपके पास अ कॉलम ऑफ वॉटर 40 सेंटीमीटर हाई, 40 सेंटीमीटर हाई सपोर्ट्स अननोन लिक्विड। हमारे पास एक अननोन लिक्विड है, सपोर्ट्स द अननोन लिक्विड ऑफ कॉलम 30 सेंटीमीटर ऑफ द कॉलम 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड? What is the density of unknown liquid? Density of unknown liquid. अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, मैं समझाता हूँ। Unknown liquid. What is the density of the unknown liquid? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चा, अगर मेरे पास एक U shape की ट्यूब है, हमारे पास यहाँ पर अगर मेरे पास एक U shape की ट्यूब है ऐसे करके, और इस यू शेप की ट्यूब के अंदर बच्चा हमारे पास क्या है? हमारे पास एक तरफ आपके पास यहां पर क्या है बच्चे? आपके पास मान लिया जाए वाटर, और ये वाटर बच्चा हमारे पास क्या कर रहा है? ये वाटर जिसके आपके पास हाइट कितने के बराबर है? 40 सेंटीमीटर। ये बच्चा हमारे पास सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करने का मतलब उसको बच्चे बैलेंस कर रहा है, और ये जिसको बैलेंस कर रहा है बच्चे उस लिक्विड की, हमारे पास डेप्थ या हाइट किसके बराबर है? 30 सेंटीमीटर। और मुझे बताना है कि ये जो अननोन लिक्विड है आपके पास, इसकी डेंसिटी क्या है? ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वाटर है, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? शाबाश, बता दो बच्चे, लिक्विड आ गया। अब बताओ कि इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, क्योंकि ये इसको सपोर्ट कर रहा है। नीचे वाले आप पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि कर्व्ड है और बहुत छोटा है। तो बताओ अब क्या बोलोगे आप? यहां पर वाटर की वजह से जितना प्रेशर है सामने बच्चे लिक्विड की वजह से भी उतना ही प्रेशर होना चाहिए। ए पॉइंट और बी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा तो ये बच्चे बैलेंस हो पाएगा और सपोर्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट नहीं करने का मतलब लिक्विड या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। वो सपोर्ट कर रहा है कि तू यहीं पे खड़ा रहे, कोई बात नहीं, मैं तेरे को बैलेंस कर दूंगा। और बैलेंसिंग कब हो पाएगी? जब ए का प्रेशर किसके बराबर होगा? शाबाश, बता दो बच्चे, बी के बराबर। जब हमारे पास ए का प्रेशर आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? बी के। अब बताओ ए पे बच्चे जो हमारे पास प्रेशर आ रहा है वो किस किस की वजह से आ रहा है? एक मेरे पास यहाँ पर कौन सा प्रेशर, बताओ। शाबाश, एटमॉस्फेयर।
एक बच्चा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस ऑफ एच रो जी यानी कि 40 सेंटीमीटर डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी। सामने बी पे प्रेशर किसकी वजह से, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ आपके पास नेक्स्ट कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। एटमॉस्फेरिक से एटमॉस्फेरिक क्या हो गया कैंसर, तो 40 सेंटीमीटर डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी एंड 30 सेंटीमीटर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। चलो भी जी से जी भी कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 40 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी चला गया, तो 40 इंटू 1 इज इक्वल टू 30 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बताओ डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितने के बराबर आ जाएगी, 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास इसकी डेंसिटी आ जाएगी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है, बराबर वही कॉन्सेप्ट चला हुआ है जिसको मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखा जाए तो जितना प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है उतना बच्चे राइट हैंड साइड पे आ रहा है, इसको इक्वेट कर देना। इसी को बच्चे हम क्या बोल देते हैं बच्चे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। दिस इज नोन एज टू बी द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जी बोले बच्चा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर देखते हैं बच्चा आपके पास, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आ जाता है। इफ वन यूजेस, क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, क्वेश्चन बड़ा सिंपल से, इफ वन यूजेस अगर कोई हमारे पास यूज करता है, इफ वन यूजेस द यूजेस द वॉटर इन बैरोमीटर इंस्टेड ऑफ मर्करी, वॉटर इन द बैरोमीटर बैरोमीटर इंस्टेड ऑफ मर्करी इंस्टेड ऑफ द मर्करी कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉटर हाइट ऑफ द वॉटर इन द बैरोमीटर। हमको एक चीज पता है बच्चे, बैरोमीटर में हम काम कैसे करते हैं, हम एक ट्यूब को यहां पर इन्वर्ट कर देते हैं और ये ट्यूब जिसके अंदर इन्वर्ट होती है उस बीकर में भी लिक्विड होता है, और हमारे पास ये जो ट्यूब वाला लिक्विड है ये नीचे गिरता है, लेकिन एक हाइट पर आकर ये लिक्विड आपके पास क्या हो जाता है, रुक जाता है। और हम क्या बोलते हैं कि इस लिक्विड की हाइट का जो प्रेशर है वो हमारे पास एग्जैक्टली किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यही तो हम बोलते हैं कि ऐसे लिक्विड की हाइट का जो प्रेशर है बच्चे वो हमारे पास एग्जैक्टली किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। देयरफॉर यहां पर बच्चा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ मेरे पास एच रो ऑफ वॉटर इंटू जी इज इक्वल टू क्योंकि इसके ऊपर तो बच्चा हमारे पास नेग्लिजिबल आपके पास एयर प्रेशर होता है, 1.013 इंटू 10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हाइट एच डेंसिटी ऑफ वाटर 10^5 आपके पास यहां पर 5 आएगा, 10^5 एच इंटू 10^3 इंटू बच्चा हमारे पास 10 आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10^5 और नीचे 10^4 तो एच इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10 और हमारे पास बताओ बच्चे इसकी हाइट कितने के बराबर आ जाएगी, 10.13 आपके पास यहां पर मीटर। ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, 10.13 बच्चा हमारे पास मीटर। तो ये हमारे पास 10.13 मीटर के आसपास हमारे लिए इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, अगर आप देखें तो ये हमारे लिए बहुत आसान चीज है। तो हाइट ऑफ द वाटर इन द आपके पास यहाँ पर बैरोमीटर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, h मल्टीप्लाइड बाय 10^3 और इंटू बच्चा हमारे पास 10 आ जाएगा, और हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर से बच्चे, कोई दिक्कत बच्चे हमारे पास इसमें से, बताओ शाबाश। बोल बेटा बोलो सर, लास्ट लाइन निकालना एक मिनट प्लीज। लास्ट क्या बच्चे सर, इससे पहली वाली जो आपने क्वेश्चन कराया ना वो ये लो बच्चे,
ये मुझे पूछना था कि ए और बी में हमें दिया हुआ कि वैक्यूम है, क्योंकि अगर एयर हो नहीं, नहीं, तो यहाँ वैक्यूम नहीं है, यहाँ बिल्कुल तूने सही बोला, यहाँ वैक्यूम नहीं है बच्चे। एक्चुअल के अंदर हमारे पास क्या, ये हम एज्यूम करते हैं, ये जो जो आपके पास कर्व्ड एरिया ना, ये बहुत छोटा सा है, मतलब कि दिखने में ये मतलब नेग्लिजिबल सा पार्ट है, ये देख ऐसे, मेरी बात समझ गई। यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी लेके आ सकता था, मेरी बात समझ गई, इसके अंदर से मैं ऐसा भी कर सकता था जी, यह आपके पास ऐसे एक यू शेप ट्यूब है और इसका 40 सेंटीमीटर और इसका 30 सेंटीमीटर मैं और भी नीचे लेके आ सकता था, ये बराबर है। तो यहाँ पर मेरे पास वैक्यूम नहीं है, सिंपल बच्चा, हमारे पास यहाँ पर जो भी आपके पास पोर्शन है वो नेग्लिजिबल सा पोर्शन है, ये हमारे पास यहाँ पर नेग्लिजिबल सा पोर्शन है जिसको हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, ये वैक्यूम नहीं है लड़की, ठीक है बेटा? ओके सर, हम सिर्फ इसको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ नहीं बच्चे। चलिए ये भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास, फिर देखिए हम जितने ज्यादा क्वेश्चन कर देंगे बच्चा हमारे को, उतनी ज्यादा पेपर के अंदर हमको उतना ज्यादा बच्चे फायदा होगा। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास अब क्या आ जाता है, द प्रेशर इन द एक्सेलरेटेड कंटेनर, द प्रेशर इन द एक्सेलरेटेड कंटेनर, द प्रेशर इन द एक्सेलरेटेड कंटेनर, बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं बच्चे, दिस इज ओनली फॉर योर जी एंड नीट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, आगे के लिए बच्चे हम इसको यूज नहीं करते। The pressure in the accelerated container, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से बच्चा आपके पास क्या आ गया, एक कंटेनर आ गया बच्चा हमारे पास इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास लिक्विड किस लेवल के ऊपर है, फोकस करते रहे, हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विड है और यह आपके पास किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है, यह हमारे पास यहाँ पे रेस्ट पे है। कोई बच्चा बता सकता है कि हमारे पास जैसे ही मैं इसको आगे एक्सेलरेट करूंगा व्हाट विल हैपन टू द फ्री सरफेस, इसकी फ्री सरफेस ऐसी रहेगी कि ये स्लाइटली बच्चे ऐसे चेंज हो जाएगी, हाँ या ना बताओ बच्चे, इसकी जो शेप है वो आपके पास सेम रहेगी या फिर बच्चे इसकी फ्री सरफेस ऐसे हो जाएगी, कहने का मतलब एक्सेलरेट करने के बाद जो लिक्विड है बच्चे वो आपके पास ऐसी ही आपके पास अपनी फ्री सरफेस बनाएगा, या फिर लिक्विड का जो अपर लेवल है अब वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहा है, क्या लगता है बच्चे, सही है, ये चेंज हो जाता है, मॉडिफाई पीछे की तरफ को जाना चाहता है, स्यूडो फोर्स लग जाती है। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो अब ये लेवल है ये कितने एंगल से नीचे आ गया, शाबाश बता दो, थीटा एंगल से, तो अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पर भी ये एंगल मेरे पास कितने के बराबर है, थीटा के बराबर। अब देखते चलें शुरुआती दौर के ऊपर, हमारे पास शुरुआती दौर के ऊपर आपको अगर मैं दो पॉइंट्स देता हूं, बताना उनमें प्रेशर सेम था कि डिफरेंट था, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बी पॉइंट है क्या, और ये दोनों मेरे पास सेम डेप्थ के ऊपर है, ये भी बच्चे एच है और ये भी एच है, बताओ कहाँ पर प्रेशर ज्यादा और कहाँ पर कम, शाबाश, सेम दोनों पे सेम, दोनों पे सेम। लेकिन जैसे ये लिक्विड एक्सेलरेट होता है काके और ये दोबारा से ए पॉइंट यहाँ पर है और ये बच्चे बी पॉइंट यहाँ पर है, क्या लगता है कि अब दोनों तरफ में प्रेशर सेम हो जाएगा कि डिफरेंट हो जाएगा, शाबाश बताओ, तो हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा, रीजन बच्चे आप देखो ना, लिक्विड की फ्री सरफेस ऐसे होगी आपके पास, यहाँ पर अब अगर हम देखें कि पहले ये एच हाइट पर था, है ना, एच हाइट पे था, यानी कि ये टोटल हाइट आपके पास यहाँ पर किसके बराबर थी, आपके पास एच के बराबर थी, हाँ या ना, ये एच थी, मान लो कि ये लिक्विड बच्चा हमारे पास यहाँ से वाई डिस्टेंस नीचे आ गया, या बच्चा हमारे पास चलो वाई डिस्टेंस नीचे आ गया, तो ये अगर वाई अकाके तो ये हमारे पास यहाँ पर पहले एच था, तो बताओ फ्री सरफेस से बी का डिस्टेंस कितना रह गया अप्रोक्सीमेटली, शाबाश कोई बच्चा बता दे, ये अप्रोक्सीमेटली बच्चा हमारे पास एच माइनस वाई रह जाता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर वाई है और ये एच है,
तो बच्चा हमारे पास h माइनस वाई अप्रोक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं। तो अब बताओ बच्चे कि पहले तो a पॉइंट आपके पास क्या था बच्चे, h पे, b भी h पे, अब a अभी भी h के ऊपर ही है ऑलमोस्ट बच्चे अगर देखा जाए तो ये अभी भी बच्चे हमारे पास h के ऊपर ही है। लेकिन हमारे पास अगर इस कंटेनर की कोई लेंथ है, ब्रेथ है, वो एक बात की बात है, लेकिन अब बी पॉइंट बच्चे क्या एच डेप्थ पे है कि कम डेप्थ के ऊपर चला गया बच्चे, बताओ। शाबाश, कम डेप्थ के ऊपर, क्योंकि अब फ्री सरफेस से इसका डिस्टेंस कितने के बराबर रह गया, एच माइनस वाई। तो बी पे प्रेशर बढ़ गया कि कम हो गया, शाबाश बता दो, कम हो गया। कम हो गया, तो ये क्वेश्चन टीचर बच्चा हमारे पास हमें पूछता है कि आपके पास कहां पर कौन सा प्रेशर, तो आपके पास यहां पर ए का प्रेशर बच्चे अगर देखा जाए तो हमारे पास सेम रहता है, लेकिन बी का प्रेशर बच्चे अगर हम देखें तो यह हमारे पास क्या हो जाता है बच्चे, डिफरेंट हो जाता है, इनफैक्ट बच्चे हमारे पास रिड्यूस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने दिमाग के अंदर रखना, एक्सेलरेटेड कंटेनर के अंदर हमारे पास जो प्रेशर होता है बच्चे उसमें चेंज आ जाता है, प्रेशर में बच्चे हमारे पास चेंज आ जाता है, ये पॉइंट ध्यान में समझ। चलिए, सो आज के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थोड़ा सा बच्चे आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर तो बच्चे कल हम फिनिश कर चुके थे। अब इसमें एक आर्कमिडीज प्रिंसिपल बायोंसी रहता है, पर मेरा ये पर्पस था कि मैं एक दिन लगाकर आपको क्वेश्चंस आंसर्स बताऊं। अब बच्चे कल आपने एनसीईआरटी के अंदर से, बेटा एनसीईआरटी चैप्टर 9 हो गया सबकी कंप्लीट? यस सर। बेटा कल तो टेस्ट है, कल तो टेस्ट है आपका बच्चे, इसी टाइम पे होगा, ठीक है, कल टेस्ट है आपका, इस बात का ध्यान रखना। और आपने उसके लिए तैयारी, टेस्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, अभी ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सॉलिड का ही है। हाँ बेटा सॉलिड्स का ही है। और बच्चे मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, आपका संडे को सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कल है, और बच्चा हमारे पास सब्जेक्टिव होगा जो संडे को, और सबका देना कंपलसरी है बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चे, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।